उधर निजी संस्था लिविंग ऑन द एड्स के द्वारा कल आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में कदम तला क्षेत्र से आए परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कदम तला के परिवार को एक 17 वर्षीय बच्ची महिमा मंडल के दिल में छेद होने के कारण उसे चिकित्सा के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन के द्वारा एमसी स्कीम के अंतर्गत मुख्य भूमि भेजा जा रहा है। मरीज महिमा मंडल की मां माधुरी मंडल ने इस बीच लिविंग ऑन द एड्स के निजी संस्था से अनुरोध किया कि भले ही चिकित्सा का खर्च प्रशासन के द्वारा एमसी स्कीम से उठाया जाएगा, पर परिवार वालों को उनके परिवार के पास दूसरे खर्च के लिए उतने पैसे नहीं है। इस वजह से मरीज महिमा मंडल की मां माधुरी मंडल ने लिविंग ऑन द एड्स निजी संस्था से संपर्क किया। समस्या की गंभीरता को देखते हुए लिविंग ऑन द एड्स निजी संस्था ने सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई और लोगों से सहायता इकट्ठा की। इसके बाद कुल 27,000 की राशि लिविंग ऑन द एड संस्था ने मरीज के परिवार को सौंपी ताकि बच्चे के दिल का इलाज अच्छी तरीके से किया जा सके। मरीज के परिवार वालों ने और क्षेत्र के लोगों ने इस संस्था के इस प्रयास को खूब सराहा है। मेरा 17 साल का बच्चा स्कूल पढ़ता है 11th में, तो स्कूल में बैठ कर नाक से मुंह से ब्लीडिंग होने का बाद कदम तला हॉस्पिटल में लेके टीचर लोग एडमिट करे हैं। तो उसके बाद वहाँ से रेफर करके किसी को हॉस्पिटल भेजे है, तो हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट कर रहे थे। वहाँ से एडमिट था तो डॉक्टर ने बोला है बच्चा को ऑपरेशन करना जरूरी है, हार्ट में छेद हॉस्पिटल कर दिया है कि एनजीओ दुर्गति का पूरा सपोर्ट किया है। उसके बाद मेरा गांव से मेरा रस्ते से सबको मिलकर मुझे सपोर्ट किया। इस महीने के 16 तारीख को श्रीमती माधवी जी हमारे पास आई थी, हमारा एनजीओ के नाम पे लिविंग ऑन द एड्स को अप्रोच किए थे उन्होंने कि उनके बेटी का एक हार्ट में प्रॉब्लम है और जिसको लेकर उनको रेफर किया गया है यहाँ से पोपलर से कोलकाता में किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। उनका एक मेजर हार्ट ऑपरेशन होने वाला है और उनको अनिश्चित स्कीम में रेफर किया है, जिसकी वजह से उनको पैसे की वहाँ पे ऑपरेशन के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, पर ट्रांसपोर्टेशन और उनको वहाँ रहने के लिए कुछ पैसे की जरूरत था। तो हमारे एनजीओ को अप्रोच करे थे और मैंने उनको कहा था कि जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसमें जरूर सहयोग करेंगे। और इसी के बनस्पत मैंने सोशल मीडिया में और हमारे जो लिविंग ऑन द एड्स के जितने भी मेम्बर्स हैं उनको हमने कांटेक्ट में ये विषय को उनके लेके आए थे, तो उसमें पता चला कि काफ़ी लोग जो है उसको सपोर्ट करे और उनका कमीशन आया है। और आने के बाद आज हमने उनको बुलाया, टिकट उनका अरेंज हो गया है, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है, हमारे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो भी उन्होंने भी टिकट के लिए अरेंजमेंट में हेल्प किया उनको। और हमारे तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आया उसमें से हमने आज एक उनको जो है ये उनके वहाँ पे रहने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी हो सकता है हमारे तरफ से हमने किया, कोशिश किया। हम यही चाहेंगे कि बच्चे ऑपरेशन सफलतापूर्वक करा के हंसी खुशी आए और अपना स्कूल जो बाकी बचा हुआ है